श्रोतियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। श्रोताओं, इस साल हम अपने रेडियो स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक दिन मनाने का ये दिन नहीं है, इसलिए हमें पूरे सप्ताह इस दिन को मना रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही हमने इस प्रकार से रखा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा सप्ताह। श्रोताओं, योगा, मेडिटेशन, जब ये बातें जब हम सुनते हैं, ये वर्ड अगर हम सुनते हैं, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। न जाने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, तो क्यों ना आज हम अपने रेडियो स्टेशन पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करें आपके लिए, वो किस प्रकार से योग सिखाते वो जानने के लिए। तो आज मेरे साथ है रेडियो स्टेशन पर इस्कॉन के श्री चैतन्य चंद्रदास जी। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करते रेडियो पुनेरी आवाज में। चैतन्य प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो श्रोताओं, उसके पहले हम उनसे बात करते, उनसे चर्चा करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। श्री चैतन्य चंद्रदास जी, वो बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन MIT पुणे से है। उन्होंने अपनी कॉलेज कम्प्लीट की है, फिर उनको 2 साल का जॉब काम, 2 years वर्क एज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एटॉस एंड TCS इन मुंबई, फिर सर्विसेज इन टेम्पल इस्कॉन में, ज्वाइन फुल टाइम इन 2007 इन इस्कॉन पुणे, सर्व्ड एज टेम्पल मैनेजर फॉर 3 years, डिड कॉर्पोरेट प्रीचिंग टू यूथ, देन इन्वॉल्व इन यूथ प्रीचिंग इन वेरियस कॉलेजेस लाइक SRM चेन्नई, RV कॉलेजेस बैंगलोर, NIT वरंगल, है ना चैतन्य जी? NIT वरंगल एक्सेट्रा, एज वेल एज पार्टिसिपेटेड इन बस पार्टी फॉर 3 years, दैट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, राइट्स आर्टिकल्स रेगुलरली इन न्यूज़पेपर्स एंड BTG, कंडक्ट्स भक्ति शास्त्री फॉर कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज, टेक्स यात्रा ऑफ वेरियस ग्रुप्स टू धाम्स लाइक वृंदावन, मायापुर, द्वारका एटसेट्रा, एंड सर्विंग एज बालाजी पुजारी इस्कॉन पुणे। श्रोता, बायोडाटा या उनके बारे में जानने से आपको तो शायद पता चल ही गया होगा कि जब हम ईश्वर के लिए अपना जीवन देते हैं, तो शायद योग, ध्यान, इस शब्द का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य जी। हमने तो आपका परिचय सभी श्रोताओं को बताया ही है, लेकिन आप अपने शब्दों में कुछ हमारे श्रोताओं को अवगत कराए चैतन्य जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ एक अवसर दिया कुछ कहने का, आपके सभी श्रोताओं के लिए दिया है। तो मैं पहले, जैसे आपने बताया, इंजीनियरिंग किया MIT से 2004 में, और उसी समय मैं कुछ इस्कॉन के भक्तों के टच में आया, और उन्होंने कुछ सेमिनार्स अरेंज किए थे, जैसे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, प्रैक्टिकल टिप्स टू माइंड कंट्रोल। तो मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, माइंड कंट्रोल में। तो मैं, मेरा इंजीनियरिंग भी चल रहा था, साथ ही मैं ये सेमिनार्स भी अटेंड कर रहा था। हमारे कॉलेज के आसपास से सेमिनार होते थे इस्कॉन के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवत गीता का जो ज्ञान है, उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, भगवत गीता में क्या दिया है ऐसे जिससे हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, तो इससे मैं बहुत आकर्षित हुआ। फिर मैं रेगुलरली उस सेमिनार्स में जाने लगा। फिर मैं बाद में पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2004 में, और फिर बाद में मुंबई में 2 साल जॉब किया। वहाँ पे मुंबई में भी इस्कॉन के कई सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी मैं टच में था इस्कॉन के, और मैं बहुत प्रभावित हुआ इन सारे जो मेंबर्स है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो मेंबर्स है इस्कॉन से। तो फिर बाद में मैंने सोचा फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए, ताकि मैं भगवान की पूरी तरह से और समाज की सेवा कर सकूं 24 hours 7 days 365 days इन ईयर। तो इसलिए फिर 2007 में मैंने ये इस्कॉन पुणे ज्वाइन कर लिया, और तब से फिर मैं यहाँ पे अलग अलग सेवाएं कर रहा हूँ। और जैसे आपने बताया, पुजारी सेवा, बस पार्टी, प्रीचिंग, ऐसे एंगेजमेंट्स है मेरे। तो और यहाँ पे हम करीब करीब 150-200 भक्त रहते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर है पुणे में, एक तो कात्रज में है और दूसरा कैंप मंदिर में है। तो दोनों मिला के अराउंड 200 ब्रह्मचारी, जैसे सब वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स IIT से है। तो हम यहाँ पे रह के भगवद गीता का प्रचार करते हैं,
और समाज की सेवा। भैया आपसे बात करके सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका एक्सपीरियंस सचमुच जानना चाहूंगी, लेकिन आज जिस काम के लिए, जिस जिस बात के लिए हमने आपको इनवाइट किया है वो है कि इंटरनेशनल योगा डे। जैसे ये दिन आता है तो योग, ये जो शब्द हम सुनते हैं, क्या हमारे जितने भी लिसनर्स है आज योगा डे के दिन पर ही शायद ये दिन मनाते होंगे, तो आपके हिसाब से योग इस शब्द का क्या मतलब होता है, क्या महत्व है, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। योग है, योगा डे बहुत फेमस है 21 जून। तो जी योगा ये जो शब्द आता है इसका मतलब है, इसका रूट जो है, मूल है यूज। यूज ये धातु है संस्कृत में, इससे योगा आता है। तो यूज का अर्थ क्या है? टू कनेक्ट, कनेक्ट यानी जोड़ना, यूज यानी कनेक्ट या जोड़ना। तो किससे जोड़ना है? भगवान से जोड़ना, ये असली मतलब है योगा का। रियल मीनिंग ऑफ योगा इज टू कनेक्ट विद गॉड। तो असली मतलब ये है, लेकिन आज उसका ट्रांसलेशन कुछ अलग हुआ है, लेकिन ओरिजिनल उसका मतलब है कि भगवान के साथ जुड़ना, ये योगा का मतलब है। तो भगवान भगवत गीता में भी कई जगह पे योग शब्द इस्तेमाल करते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। तो ये सारे अलग अलग पद्धति है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसे योगा कहते हैं। तो योगा और मेडिटेशन जो है, तो ये किस लिए बताया है? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 पहलू हैं। तो इसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये आते हैं, ये हमारे शरीर के लिए है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल या उद्देश्य क्या है? ये शरीर ठीक से रहे ताकि हम समाधि में पहुंचे, यानी भगवान का स्मरण करें। तो योग का अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट ध्येय जो है वो भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा है। तो योग से हालांकि हम ये शरीर तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो गोल नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है योग का। योग का उद्देश्य है टू कनेक्ट विद गॉड, भगवान से संबंध जोड़ना, वो योग का असली मतलब है। तो इसीलिए भगवान भी भगवत गीता में काफी जगह कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैशेषि सत्यम ते प्रति जानु प्रियोऽसि मे, कि मेरा स्मरण करो, मन मुझ में लगाओ, यही सबसे बड़ा योग है। तो हम हालांकि योगा डे मनाते हैं और ये शरीर के लिए आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो ठीक है, करना चाहिए, इसे शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, मन तंदुरुस्त रहना चाहिए, लेकिन किस लिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? ठीक है, शरीर तंदुरुस्त है, फिर क्या करेंगे? वो शरीर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये उद्देश्य है शरीर ठीक रखने का। तो लोगों ने आज वो सेकेंड पार्ट भूल गए हैं कि भगवान की सेवा, लेकिन शरीर कैसे तंदुरुस्त रखे वही चल रहा है। तो योग का मतलब पूरा होना चाहिए। तो अर्ध कुकुट न्याय बोलते हैं, अर्ध कुकुट न्याय शास्त्र में कहा है कि हाफ हैंड लॉजिक। तो एक व्यक्ति था जिसके पास एक मुर्गी थी और वो मुर्गी हमेशा कुछ ना कुछ खाती थी, उसको खाने को हर रोज देना पड़ता था और फिर वो अंडा देती थी पीछे से। तो वो व्यक्ति ने सोचा ये मुर्गी जो है ये खाती है आगे से और पीछे से अंडा देती है, अंडा देती है ठीक है, लेकिन वो आगे से कितना खाती है, उसमें कितना खर्चा होता है। तो उसने मुर्गी को आधा काट दिया ताकि सिर्फ वो अंडा मिले, ताकि खाने को नहीं दे और खर्चा ना हो। तो मुर्गी मर गई, अंडा में चला गया। तो ऐसे बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, तो ये काम नहीं करता। तो लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ योगा से क्या करें हम शरीर तंदुरुस्त रखें और क्या करें भोग करें, नहीं, ये अर्थ नहीं योग का। योग का अर्थ है शरीर तंदुरुस्त रखे और भगवान की सेवा में इस्तेमाल करे। तो भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। भगवान कहते हैं सभी योगी में से श्रेष्ठ योगी कौन सा है? जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, भक्ति योगी है, इसमें से श्रेष्ठ जो है वो भक्त योगी है, क्योंकि वो मेरा हमेशा ध्यान करता है अपने हृदय में, तो वो सबसे बड़ा योगी है। तो इसीलिए योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और हम शरीर तंदुरुस्त रख सकते हैं योगासन करके, प्राणायाम करके, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो भूलना नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं,
जैसे अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट लेने के जाते हैं, कुछ हमारे हमको कुछ व्याधि हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं मिलते और उधर इधर उधर घूमते हैं, कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं और बाकी हॉस्पिटल घूम के आते हैं और डॉक्टर को मिलते ही नहीं, तो उसको कुछ मतलब हुआ क्या? हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को ही नहीं मिले, ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो क्या मतलब है? सिर्फ सिर्फ खाना खा के आए उधर बस। तो वैसे ही अगर हम योग करें, हम आसन योगासन प्राणायाम करें और शरीर को तंदुरुस्त रखें लेकिन भगवान की सेवा नहीं करें तो योग का कुछ मतलब ही नहीं। तो योग यानी अच्छा रखो, हेल्थ, गुड हेल्थ इज गुड, बट यूज दैट गुड हेल्थ फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण, यही असली योग है, यही भगवद गीता में भगवान ने कहा है। क्या बात है मिस प्रभु जी, ऐसे लग रहा है कि शायद लोग जिस बात को भूल गए हैं और आपने उसी बात को पकड़ा, क्योंकि आजकल सभी फिजिकल एक्सरसाइज में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली अभी भी डिप्रेस्ड है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से योग का इम्पोर्टेंस बताया प्रभु जी, आपसे और भी ढेर सारी चर्चा करने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रोता हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम, खुश रहो खुशियां बांटो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं।
से ब्रेक के बाद श्रोता आप सबका फिर से स्वागत करते हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्कॉन में से चैतन्य दास जी। तो प्रभु जी, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि योग मना ध्यान मीन्स प्रभु की सेवा जो सेकेंड पार्ट है, जैसे आपने बोला कि आधा ही ज्ञान लोगों में है, तो फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है ये सबको पता है, लेकिन अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारा मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सभी इस कोरोना जैसे सिचुएशन से लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय पर जिनकी मेंटल हेल्थ अभी बहुत वीक हो चुकी है, तो क्या योग उस पर किस प्रकार से इफेक्ट हो सकता है या मेंटल हेल्थ हमारा किस प्रकार से ठीक रह सकता है, थोड़ा उसके ऊपर अगर प्रभु जी प्रकाश डालते हैं तो अभी श्रोताओं को इसका फायदा होगा। यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि लोग तो शरीर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, हेल्थ और एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो हेल्थ का तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, अभी तो काफी जागरूकता हुई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मन मेंटल हेल्थ के बारे में काफी निग्लेक्ट या दुर्लक्षता हो रही है, तो उसके बारे में क्या, तो यस उसका सोल्यूशन भी है, क्योंकि इस युग में जैसे ये कलयुग चल रहा है, जैसे शास्त्र में कहा है कि कृते ध्यायतो विष्णु त्रेता या यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनम्। तो अलग अलग युग में आत्म साक्षात्कार के अलग अलग प्रकार थे। तो सबसे पहला जो सत्ययुग था उसमें था कि ध्यान करना, ध्यान, और कई सालों सालों तक वो ध्यान करते थे भगवान के ऊपर, तो उस समय वो आत्म साक्षात्कार का वो एक तरीका था। लेकिन फिर बाद में सत्ययुग के बाद द्वापर युग आया और उसमें लोगों की शक्ति कम हो गई, मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उसमें फिर आत्म साक्षात्कार का मार्ग था यज्ञ करना, जैसे हम यज्ञ करते हैं, सो यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना। फिर बाद में आ गया द्वापर युग, तो द्वापर युग में और लोगों की मेंटल पावर और फिजिकल पावर घट गई, तो उसमें आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता था वो था परिचर्या या मैंने डीटी वर्षी भगवान की आराधना करना। फिर बाद में कलयुग जब आया, जो अभी चल रहा है कलयुग, उसमें और लोगों की मेंटल पावर फिजिकल पावर दोनों क्षीण हो गए, तो इसमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग है मंत्रा मेडिटेशन। तो ये भी मेडिटेशन है, ध्यान है, लेकिन ये अलग प्रकार का ध्यान है, ये है मंत्रा मेडिटेशन। इसमें भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इसलिए मंत्र को भी बोलते हैं मनस्त्रायते इति मंत्रा। मनस्त्रायते इति मंत्रा यानी जो मन को सारे दुखों से क्लेशों से मुक्त करे उसे बोलते हैं मंत्रा। और उसमें भी भगवान ने हमें महामंत्र दिया है जो हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहा है महामंत्र। तो मंत्रों में, सभी मंत्रों में ये महामंत्र है जो मन को सारे क्लेशों से सारे दुखों से मुक्त करता है, ये मंत्र है। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है अर्जुन को कि कैसे ये मन कितना चंचल है, तो इसमें मन में जो चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ने वायु रियो सुदुष्करम। तो अर्जुन कहते हैं कि मन इतना चंचल है जैसे वायु होता है, जैसे जो एयर जैसे, तो उसकी तरह ये मन चंचल है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान यही कहते हैं कि मंत्र के द्वारा अभ्यास करो इस मंत्र का, तो इसके कारण मन सारे दुखों से क्लेशों से मुक्त हो सकता है। तो अभी जैसे पैंडेमिक के दौरान काफी सारे लोगों को, हालांकि किसी किसी को कोरोना हुआ नहीं भी था, फिर भी उनके शरीर पे असर हुआ था, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी डर के कारण, और कई लोग दुर्बलता के कारण वो मृत्युमुखी हो गए। तो ये जो है इसमें मन की शक्ति बहुत जरूरी है, और ये मन की शक्ति कैसे आती है, जब ये भगवान के नामों का हम जप करते हैं, तो यही है मंत्रा मेडिटेशन। तो असली मेडिटेशन इस युग में क्या है, मंत्रा मेडिटेशन, भगवान के नामों का जप। और जो भी कोई भी धर्म के व्यक्ति है, उस धर्म में हर एक धर्म में कुछ ना कुछ मंत्र दिया है भगवान के नामों का जप,
तो उस भगवान के नाम का भी जप कर सकते हैं। भगवान तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, जैसे सूरज एक है, हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, सूरज, रवि, सन, सूर्य, तो ऐसे अलग अलग नाम है। वैसे भगवान एक ही है लेकिन उनके अलग अलग नाम है, तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ नाम बता है भगवान के, तो उसका जप करने से हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, और ऐसे स्थिति में तो हमें मेंटल पावर की बहुत जरूरी है, तो इसलिए जी हर रोज भगवान के नामों का जप करना चाहिए, इससे हमारी मन की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। दिस इज द सॉल्यूशन। क्या बात है, मीन्स शॉर्ट में सोल्यूशन है ये, अगर देखा जाए तो विस्तार तो बहुत बड़ा है। आप बहुत अलग तरीके से इतने विस्तार से बताया मंत्रा मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि श्रोता आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा हरे राम हरे कृष्ण, ये जो मंत्र है ये आप अगर उच्चारण भी करते तो भी शायद आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। और जैसे आपने कहा पैंडेमिक में तो बहुत सारे प्रभु जी आपको बता दे कि बहुत जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले जिनके अंदर इतना फियर आया था, सो इसकी वजह से जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों ने सुसाइड किया था, तो ये बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ। जो हम लोग मेडिटेशन, ये जो वर्ड आपने बहुत बार यूज किया, मैंने बहुत बार सुना आपने मेडिटेशन, जैसे आपने मंत्रा मेडिटेशन कहा, तो ये मेडिटेशन क्या है, मतलब ये लोगों ने कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और क्या उसका बेनिफिट उनके रियल लाइफ में हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग सचमुच अपनी लाइफ जीना ही भूल गए हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ इट्स गुड, ठीक है, मेंटल हेल्थ भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई मंत्रा मेडिटेशन, तो वैसे ही मेडिटेशन क्या है, थोड़ा उसके ऊपर भी अगर हमारे श्रोताओं को बता दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका मंत्रा मेडिटेशन क्या है एग्जैक्टली, और वो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए हमें जो बेसिक फिलॉसॉफी है वो समझनी चाहिए। तो हम जैसे है भगवत गीता से प्रचार करते हैं, भगवान ने जो गीता अर्जुन को कही थी 5,000 साल पहले और जो ज्ञान दिया था, आज देखते हैं कि सभी जगह पे वो भगवत गीता का ज्ञान लोग पढ़ रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम भी इस कौन में हम भगवत गीता से ही प्रचार करते हैं, इसलिए मैं भगवत गीता का बार बार रेफरेंस देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, जब अर्जुन भी डिप्रेशन में थे, डिस्ट्रेस में थे, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे पहला अध्याय, तो अर्जुन अपना जो धनुष है वो नीचे डाल देता है और बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो हमारी भी स्थिति वैसी है, हम भी डिप्रेस होते हैं, डिस्ट्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो ये सब हमें सताते हैं। तो अर्जुन के लिए भी वही प्रॉब्लम था, और इसलिए भगवत गीता भगवान ने जो बोली है 5,000 साल पहले वो अभी भी हमारे जीवन में लागू होती है। तो इसलिए जब भगवान ने भगवत गीता में ये कहा कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति, तो सबसे जो बेसिक नॉलेज भगवान ने अर्जुन को दिया था वो था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान सबसे पहले समझना जरूरी है, इसलिए भगवान ने भगवद गीता के पहले ही ये दिया है। तो जी आज लोगों को ये अज्ञान है, वो उनको पता नहीं है कि हम कौन है। जब हम सुबह सुबह उठ के आईने में देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं ही वो हूँ जो आईने में मैं दिखता हूँ, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी इतना चीप नहीं है, हु आर वी एक्चुअली। तो भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे, यानी जैसे एक व्यक्ति हर रोज अलग अलग कपड़े बदलता है, एक कपड़े पहनता है, दूसरे दिन अलग कपड़े पहनता है, तीसरे दिन अलग कपड़े पहनता है, लेकिन वो व्यक्ति सेम होता है, वो व्यक्ति चेंज नहीं होता। तो उसी तरह जो आत्मा है वो आत्मा अलग अलग शरीर धारण करता है लेकिन आत्मा बदलता नहीं, आत्मा का मृत्यु होता नहीं है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये शरीर का मृत्यु होता है, शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मृत्यु नहीं होता। तो हमें सबसे पहले ये बेसिक ज्ञान ये समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
तो हमारे जो स्वामी जी है जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो ये उदाहरण देते थे हमेशा कि जैसे एक कार या ड्राइवर, तो एक कार खड़ी है और उसमें ड्राइवर है, ड्राइवर उस कार में बैठता है और गाड़ी चलाता है। तो जब ड्राइवर अंदर जाता है और गाड़ी शुरू करता है तो गाड़ी चलती है। अगर ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो उसी तरह जो शरीर एक कार की तरह है और आत्मा एक ड्राइवर की तरह है। जब तक शरीर में आत्मा नहीं है वो शरीर पड़ा रहेगा। जब भी किसी का मृत्यु होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो चला गया, लेकिन शरीर तो वहीं पे है। क्या चला गया? आत्मा चला गया। तो एक्चुअल जो व्यक्ति है वो आत्मा है। जब आत्मा शरीर में होता है तभी शरीर कुछ कर सकता है। तो हमें ये समझना सबसे जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह हमारे स्वामी जी और दूसरा उदाहरण देते थे कि जैसे एक पिंजरा है और उसके अंदर तोता है। अगर हम डेली जाके पिंजरे की अच्छे से पॉलिश करेंगे डेली, लेकिन तोते को कुछ भी नहीं खिलाएंगे, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो तोते की मृत्यु हो जाएगी। पिंजरा तो अच्छा चमकेगा तो, लेकिन वो दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो तोते को भी खिलाना चाहिए। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, ये जो पिंजरा है शरीर रूपी पिंजरा, उसके अच्छे से पॉलिश करते हैं, हर रोज उसको जो चाहिए वो देते हैं, खाना पीना, इतना मौज मस्ती करते हैं लोग, इतना एंजॉयमेंट करते हैं, सब शरीर के लिए, सुबह से उठ के रात को सोने तक, ये शरीर के लिए क्या नहीं करते लोग, लेकिन आत्मा के लिए थोड़ा भी समय नहीं देते। इसीलिए लोग आज डिस्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि वो आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो तोते को कुछ देंगे नहीं तो वो तोता मर जाएगा। वो तो वैसे ही हम आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए डिप्रेशन में हैं। इसीलिए भगवान ने फिर क्या कहा है भगवद्गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो भगवान कहते हैं कि हमें ये पहले समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा के लिए भी कुछ खाना देना चाहिए। तो शरीर के लिए योगा है, मन के लिए मेडिटेशन है, और आत्मा के लिए क्या है, आत्मा के लिए भगवान की सेवा, भगवान के नामों का जप, तो इससे आत्मा सुखी हो सकता है। फिर बाकी मन और शरीर ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। आत्मा को सुखी रखो फिर मन भी सुखी रहेगा, शरीर भी सुखी रहेगा। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं, मन के बारे में चिंता नहीं करते, और आत्मा के बारे में तो उनको पता ही नहीं। तो इसलिए आज इसीलिए दुखी क्यों है लोग, दुख क्यों है, क्योंकि आत्मा के बारे में अज्ञान है। तो सबसे पहले ये ज्ञान समझना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और फिर उसके बाद क्या जरूरी है समझना कि ये जो आत्मा है भगवान का अंश है, भगवान से हम बिछड़ के यहाँ पे आए हैं, और जब हम फिर से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, तो हम सुखी रह पाएंगे। और वो जुड़ना कैसे संभव है, जैसे मैंने मंत्रा मेडिटेशन बताया। तो ये मंत्रा मेडिटेशन इसमें मदद करता है कि हम फिर से भगवान से कैसे जुड़े, क्योंकि भगवान से बिछड़ के हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे दुख भुगत रहे हैं। तो फिर से भगवान के साथ जुड़ना जो है उसके लिए दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, और वो क्या है, चैंटिंग ऑफ होली नेम्स ऑफ गॉड, भगवान के नामों का जप कर। तो ये है मंत्र मेडिटेशन, इससे ये लाभ होगा। एक्चुअली आपकी बातें तो मुझे भी सोच में पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये बात शायद मुझे भी ये बात पता नहीं थी यार। सचमुच जैसे पॉलिश की बात आपने बताई, कार और ड्राइवर की बात बताई, हाँ आज तक हम लोग यही करते आए हैं, इस कार को ही ठीक करने की कोशिश करते आए, पिंजरे को ही चमकाने की कोशिश करते हैं। और शायद आपकी एक बात से हमारे सारे श्रोता हमारे सोच में जरूर पड़ गए कि एक्चुअली आत्मा क्या है और हम आत्मा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शरीर और आत्मा किस प्रकार से अलग अलग है। प्रभु जी और भी आपसे चर्चा करनी है, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेते हैं। चलिए श्रोताओं, इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसके बारे में सोचिए कि आप कौन है और किसको चमकाना है, पिंजरे को चमकाना है या तोते को खिलाना है, इस बात पर थोड़ा विचार करते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
Krishna Krishna Hare Hare अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष में आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी मिल रही है और आज तो आपके लिए तो बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ये मिल गई कि आप कौन हो। सचमुच प्रभु जी ये बात बहुत अच्छी लगी पर्सनली मुझे भी कि आज तक हमें जिसके लिए करना है वो वही नहीं कर रहे, जिसको हमें जो देना वही नहीं दे रहे हैं। और शायद बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्या, इसके बारे में आपने बहुत कुछ बेनिफिट्स बताया। एक अगर आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हमारे सभी श्रोताओं के साथ शेयर करते कि आपको मेडिटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट हुआ और शायद हमारे श्रोता इससे लाभान्वित हो जाए, तो प्रभु जी एक आपका एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दीजिए। वैसे तो एक्सपीरियंस काफी सारे है अनुभव, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। और ये जो अनुभव की बात है वो अनुभव करने से ही समझ में आती है। हालांकि हम अनुभव बता सकते हैं लेकिन वो कैसा है, जैसे आपके पास हनी मध शहद की बॉटल है और आप बाहर से उसको चाटते हैं तो उसका स्वाद नहीं आता है, सिर्फ आपको लगता है कि इसमें हनी है, उत्कंठा बढ़ती है लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा बाहर से चाटने से। उसका स्वाद कब आएगा, जब आप उसको बॉटल को खोलोगे और उससे शहद चखोगे तो उसका स्वाद आएगा। तो उसी तरह जो भक्ति है, जो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष जब वो व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसको वो अनुभव आता है, आनंद का अनुभव, जो दूसरों को कहने से भी वो दूसरे शायद समझ नहीं सकते लेकिन वो खुद को आएगा वो अनुभव और उससे वो लाभान्वित होगा, उससे और उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो ये भक्ति जो है वो प्रैक्टिकल है और उससे हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होते हैं और वो हम खुद अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, मैं भी ऐसा बहुत बड़ा कुछ भक्त नहीं हूँ, मैं भी एक साधक हूँ और साधना कर रहा हूँ और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक तो लक्ष्य पहुंचा नहीं है लेकिन बीच में हूँ साधना कर, लेकिन उसमें भी हमें अलग अलग अनुभव आते हैं। तो जैसे मैं भी पहले भक्ति में आने से पहले जब मैं स्कूल कॉलेज और जॉब वगैरह किया तो उसमें मैंने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो गलत आदतें हैं, कभी गुस्सा आना, किसी को मारना या कुछ गलत चीजें करना, तो ये सारी चीजें जो थी वो बहुत प्रबल थी और गुस्सा मुझे बहुत आता था। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी बोलते थे तुमको गुस्सा तो बहुत आता था पहले लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो पूरे बदल गए हो। तो वो एक प्रैक्टिकल बेनिफिट देखा मैंने भक्ति में आने के बाद। हम जब भक्तों के साथ रहते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं तो अंदर में हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध मोह मत्सर, ये बहुत कम हो जाते हैं। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस जो होता है वो हम अनुभव करते हैं और आप में जो भी गलत आदतें हैं वो तुरंत छूट जाती है। तो इससे ये प्रैक्टिकल बेनिफिट हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि सेटिस्फैक्शन,
जो भी जीवन में है उससे सेटिस्फाइड रहना, ये सीखा मैंने। तो भक्ति करने से या मंत्र मेडिटेशन से या भगवद गीता का अध्ययन करने से या ये ज्ञान प्राप्त करने से कि कैसे मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो इससे बहुत ही एक प्रकार का संतुष्टि आती है जीवन में, एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन आता है। उससे एक व्यक्ति विचलित नहीं होता है किसी भी सिचुएशन में। तो ऐसे कहना है कि ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हाउ ही रिमेन्स अनएजिटेटेड इन एजिटेशन, दैट इज डेफिनेशन। कि एक व्यक्ति के महत्ता कैसे पता चलती है कि विचलित परिस्थिति में वो कैसे अविचलित रहे, इससे उसकी महत्ता पता चलती है। तो ये मुझे इस मंत्र मेडिटेशन से या इस इस्कॉन में आके भगवद्गीता पढ़ के ये ज्ञान प्राप्त करके मुझे ये प्रैक्टिकल बेनिफिट हो गया कि कैसे किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहो और खुश रहो हमेशा। तो ये एक प्रैक्टिकल बेनिफिट मुझे मिला। क्या बात है। शायद ही सभी यूथ जो हमें सुन रहे हैं और अभी आज जो आपको सुन रहे हैं, शायद आपकी इन बातों से उनकी लाइफ में भी 100% चेंज जरूर आएगा। और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे जुड़ के, बहुत सारी चर्चा हो गई और इस चर्चा में आपने सबको सोचने के लिए भी एक मजबूर किया कि हाँ हम आत्मा है और मुझे अपने खुद के लिए कुछ करना है। और बहुत अच्छी तरीके से आपने सबके लिए बताया, आपने अपना अमूल्य समय हमारे सभी श्रोताओं के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही एक माध्यम है, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी श्रोताओं को? तो मैसेज वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है भगवद गीता में, वही मैसेज मैं दूंगा सभी श्रोताओं को, सभी के लिए। और मेरे पास तो अलग मैसेज नहीं है, जो भगवान ने सभी के लिए दिया है वही मैसेज है। और वो क्या मैसेज है कि हम सब जो है भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं और हम बिछड़ गए, तो हमें फिर से भगवान के पास जाना है, भगवान से जुड़ना है। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर हम उसका उसके बाद अंत करेंगे। तो जैसे एक मछली होती है, अगर उस मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं, मछली का जो नेचुरल रेसिडेंस, नेचुरल जगह जो है वो है पानी। लेकिन अगर वो मछली को हम बाहर निकालते हैं पानी के, तो वो तड़पने लगती है। तो ऐसी तड़पती हुई मछली अपने हाथ में ली और उसको काफी सारे धन दिया, पैसा दिया, अब अगर आप उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं तो वो संतुष्ट होगी कि मछली 1 करोड़ रुपए लेंगे? नहीं। अगर आप उसको सुंदर सा एक बंगला दोगे वो सुखी नहीं होगी, एक अच्छी सी कार दोगे वो सुखी नहीं होगी। कुछ भी दो आप उसको, उसको क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए उसको, बस पानी में डालो, उससे ही भी खुश रह सकती है, उसमें ही संतुष्टि पा सकती है, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह हम भगवान से बिछड़ के, भगवान के धाम से हम इस भौतिक जगत में आए हैं और इधर भगवान के बिना हम दुखी हैं और हम दुख भुगत रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। जो क्लेश हमें अपने शरीर से मिलता है वो एक प्रकार का क्लेश है, एक क्लेश जो दूसरे लोगों से मिलता है वो दूसरा प्रकार का क्लेश है, और एक जो नैसर्गिक, जैसे अपने कोरोना है, नैसर्गिक चीजों से मिलता है वो एक क्लेश, ऐसे 3 प्रकार के क्लेश है। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के क्लेश भुगत रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, वो आत्म साक्षात्कार, भगवान से जुड़ना जो योग है, और भगवान से जुड़ के भगवान की सेवा करके फिर से भगवान के धाम जाना जो हमारा ओरिजिनल होम है। जैसे मछली का जो नैसर्गिक रहने का ठिकान क्या है, पानी, वैसे ही जब वो पानी में जाएंगे खुश रहेंगे। तो वैसे ही हम भगवान के धाम जब जाएंगे, भगवान से के साथ फिर से जुड़ेंगे तो खुश रहेंगे। तो यही मेरा संदेश है कि भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके फिर से भगवान के साथ जुड़ना है और खुश रहना है, बाकी चीजें करते हुए। ऐसे नहीं कि सभी को ऐसे ब्रह्मचारी का स्वीकार करना, ऐसे सभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में जो कार्य हम कर रहे हैं वो करते हुए भक्ति करना है, उससे ही हमें संतुष्टि मिलेंगी, उससे ही हम सुखी रह सकते हैं। यही हमको मुझे कहना है सबके लिए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, आपने आपके मैसेज से शायद सबको प्रेरित भी किया है अपने जीवन में खुश रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सभी श्रोताओं के लिए अपना अमूल्य समय दिया, आपने कुछ अच्छी बातें आप सभी को सिखाए, तो बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रोता, आज हमने प्रभु जी से बहुत सारी चर्चा की, अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कहीं मत जाना, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।